हेलो, दिस इज़ सारिका बहरोलिया और मैं आज हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ। और मैं आज करने वाली हूँ दिवाली पर अपने लिए कुछ दिवाली पे जो दिए यूज़ होते हैं उनको कलर करने वाली अपने हाथों से। तो आप लोग देखेंगे कैसे करने वाली हूँ। चलिए, ये वाला कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मेरा दिया तो बन गया। दिवाली मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। वैसे मुझे सारे फेस्टिवल्स अच्छे लगते हैं, बट होली और दिवाली मोस्ट फेवरेट है। तो जैसे कि अब मेरी फर्स्ट दिवाली ऐसी है कि जो मैं घर वालों से दूर और अकेले मनाने वाली हूँ, तो मिस तो कर रही हूँ घर वालों को अभी से, क्योंकि घर में इतनी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं दिवाली के कुछ दिनों पहले से ही कि सफाई करनी है और मम्मा लिस्ट बनाना शुरू कर देती है, ये बनाना है, वो बनाना है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है मम्मा, मीठा बनाती हैं बहुत कुछ। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं इस बार। हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा पटाखे चलाती थी। तो एक बार क्या हुआ, मतलब मैं छोटी सी थी, 6th या 7th क्लास में, तो पापा मना करते थे कि नहीं जलाओगी तुम पटाखे। मैं कहती थी मैं चलाऊंगी। तो मैंने क्या किया कि मैं चुपचाप से फटाका चुरा के घर से और छत पे जाके मैंने फटाका चलाया। और मैंने क्या अकलमंद, मैंने किसी को देख लिया कि उसको हाथ में लेके चला रहे थे हमारे वहाँ के आसपास के कुछ लोग, तो मैंने भी उसको कैंडल से और हाथ में लेके चला दिया। वो मेरे पूरे हाथ में ब्लास्ट हो गया, पूरा अंगूठा और सब, मेरा हाथ पूरा का पूरा जल चुका था। उसके बाद से मैं पटाखों से दूर रहती हूँ। मेरी मम्मा, एक्चुअली क्या होता है कि दिवाली के टाइम पे बाहर जो मिठाइयाँ मिलती हैं उसमें बहुत सारी मिलावट्स होती है। जो मावा होता है, मावा एकदम प्योर नहीं होता है, कुछ ना कुछ वो लोग फालतू का कुछ भी मिलाते हैं, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हमें बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो हम जितना हो सकता है हम घर में मिठाइयाँ बनाएं, जैसे मेरी मम्मा मगज के लड्डू बहुत टेस्टी बनाती हैं, काजू कतली बहुत अच्छी बनाती हैं, तो हम लोग यही सोचते हैं कि जितना हो सके हम लोग घर का बना हुआ खाएं। ये फटाके वैसे भी नहीं फोड़ना चाहिए, क्या मतलब है, आप दिए जलाओ। दिवाली रोशनी का त्यौहार है, जब राम जी आए थे वापस लौट के अपने घर, तो फटाके तो उस टाइम पे भी नहीं जलाए थे ना किसी ने, दिए जलाए थे, रोशनी की थी सब जगह। तो बस आप लोग भी उसी परंपरा को, अगर हम कहते हैं कि दिवाली हम राम जी के आने पे बनाते हैं, राम जी आए थे उस खुशी में बनाते हैं, तो राम जी जब आए थे तो फटाके तो हमने तब भी यूज़ नहीं किए थे, हमने सिर्फ ये दिवाली पर दिए जलाए थे, जो कि जब तो आटे के दिए जलाए थे बना के, क्योंकि उस टाइम पे मिट्टी के दिए नहीं होते थे, लेकिन अभी मिट्टी के दिए हैं, क्या लगता है, कुछ भी नहीं। तो आप लोग भी दिए जलाइए ना, बस बहुत सारे दिए जलाइए, हर जगह रोशनी रोशनी होनी चाहिए। हाँ, यही कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से दिवाली मनाइए, और आप लोग बहुत लकी हैं कि अपनी फैमिली के साथ आप लोग दिवाली मना पा रहे हैं, और लोग उन लोगों का आशीर्वाद लीजिए। और फेस्टिवल होते ही इसलिए कि हम सब लोग एक साथ हो पाए, एक दिन हमें मिलता है, तो बस आप सभी लोग साथ में मिलकर दिवाली मनाइए। हैप्पी दिवाली सब लोगों को एडवांस में।